राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अक्सर अजीबोगरीब बयान देते हैं और सुर्खियों में आ जाते हैं, लेकिन उनके दिए हुए सभी बयान कुछ दिन ट्रेंड में रहते हैं और फिर वो नजर आना बंद हो जाते हैं। लेकिन इस बार मदन दिलावर अपने डीएनए टेस्ट वाला बयान देकर मुसीबत में फंस गए। भारत आदिवासी पार्टी के साथ अब कांग्रेस नेता भी इस बयान को मुद्दा बनाकर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। बीते कुछ दिनों से यह सिलसिला लगातार जारी है। अब इसमें हिंडोली विधायक अशोक चांदना की भी एंट्री हो गई है। नमस्कार, मैं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। अशोक चांदना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो के जरिए मदन दिलावर को धमकी दी और बोले, मंत्री जी क्या करेंगे डीएनए चेक करके, किसी दिन आदिवासियों को बीच रास्ते में मिल गए तो आपका ही डीएनए चेक कर लेंगे, संभल जाओ, इनकी सुनो, वरना किसानों ने मोदी को भी हरा दिया था, पलटने में समय नहीं लगा और आपकी तो गाड़ी उड़ाने में भी टाइम नहीं लगेगा। कांग्रेस विधायक का ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सुनिए अशोक चांदना ने क्या कुछ कहा। मदन जी की बात को बड़े बड़े पंडित जी ने पूरी बता दी है। अरे मदन जी, देखाएं आदिवासियों को डीएनए चेक करेगा, अगर जो खड्डा रास्ता में पड़े तो आदिवासी इतने पानी पड़ गया, डीएनए चेक कर जाओ, सुनो ना, और कहीं सुनो ना, तो किसान मोदी भी हरा दे जो बता दें। चांदना ने बयान कोटा में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए दिया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी वहां मौजूद थे और डोटासरा भी बोले, दिलावर साहब ये वो आदिवासी हैं, दिलावर साहब जिन्होंने हमारी राजस्थान की धरती पर आजादी के वक्त अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, उन्होंने संघर्ष किया, 1900 आदिवासी शहीद हो गए लेकिन देश को आजादी दिलाकर उन्होंने दम लिया। आप इन आदिवासी भाइयों का डीएनए टेस्ट करना चाहते हैं, पहले तो हम राजस्थान की विधानसभा में आपके 14 मुकदमों का डीएनए टेस्ट करेंगे और यह तब तक जारी रहेगा जब तक मंत्री दिलावर अपने बयान के लिए माफी नहीं मांग लेते। सुनिए डोटासरा ने क्या कुछ कहा। जो हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए जो घटिया बयान दिया है, मैं गोविंद डोटासरा कांग्रेस पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और मैं कहना चाहता हूँ, ये वो आदिवासी हैं दिलावर साहब जिन्होंने हमारी राजस्थान की धरती पे आजादी के समय अंग्रेजों के सामने घुटने टेके के संघर्ष किया, 1900 आदिवासी भाई शहीद हो गए लेकिन इस देश को आजाद करा करके उन्होंने दम लिया, ये वो आदिवासी भाई है, इनका डीएनए टेस्ट करना चाहते हो, पहले तो आपके 14 मुद्दों का डीएनए टेस्ट करेंगे राजस्थान की विधानसभा में, फुर्सत नहीं लेंगे जब तक ये दिलावर साहब अपने बात के लिए, अपने दिए गए बयान के लिए माफी नहीं मांगे। इससे पहले बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने शिक्षा मंत्री के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।